आदरणीय मुख्यमंत्री जी, किसानों को फसलों की मंडी में जावक नहीं, इस कारण से बहुत फजीते हो रहे हैं। खासकर मालवा के एरिया में या हमारे निमाड़ के एरिए में प्याज की फसल बहुत आए हुई है और वो खेतों में फसल निकल के पड़ी हुई है। मंडियां चूंकि बंद है लॉकडाउन के कारण, तो इस कारण से किसान का जी घबराता है। जब पानी और बादल होते हैं तो परेशान हो जाता है। बहुत खून पसीने से मेहनत करके प्याज की उगाई हुई है। आपसे अनुरोध है कि इंदौर शहर में और खासकर पूरे मालवा और मध्य प्रदेश में सेवा सहकारी संस्थाओं को, सोसाइटियों को आप निर्देशित करें कि वो फसलें खरीदना चालू करें और एट ए टाइम उन फसलों को कलेक्टर की सहमति से और मैनेजमेंट से शहरी क्षेत्र में अलग अलग परिवार में 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो या 1 कट्टा बेचने की प्रोसेस को आप मूर्त रूप दें। इससे अल्टीमेटली इस मैकेनिज्म से सरकार की फजीयत बचेगी, किसान को अपनी फसल का मूल्य भी मिलेगा और अल्टीमेटली इस दौर में, लॉकडाउन के दौर में, लोगों को भी प्याज की परेशानी की कमी आएगी। इसको राजनीतिक रूप में इस मेरे सुझाव को न ले, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, किसान का बेटा आपसे अनुरोध कर रहा है। तो अनुरोध है आपसे, कृपया करके इस पर आप गौर करें और प्याज की फसल को ग्रामीण क्षेत्र की सोसाइटियों के माध्यम से आम जनता में बिक्री कैसे हो सरलता से, जिससे गोडाउन की फजीयत भी कम हो और किसान को लाभ भी मिले।